हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीबी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। छाया, अब आप अच्छे से सो जाओ, कल आपकी मम्मी सुबह आपके पास आ जाएगी। गुड नाइट। तो सोइए, फिर बच्चे के रोने की आवाज। तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम आओगे, पर मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं करता था, पर मुझे यकीन था कि तुम आओगे। कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बात करो मुझसे, इतने समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखो, अब मुझे कुछ मत करना। हाँ, मुझे कुछ मत करना, मैं तो उल्टा तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उसे शेयर करो, मुझे शेयर करो कि तुम्हें किसने मारा है, बताओ। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कौन है तुम्हारा खूनी? कौन है, मुझे बताओ। मामा, माम बस अभी पहुंची हूँ। माम मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए और मुझे आना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं फिर से तुम्हें बुला लूंगी। ओके माँ, मैं फ्री होके फोन करती हूँ। ओके,
मुझे लगा था पागल है, कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन अब ये वो झूठ नहीं बोल रहे, सच में उसके पीछे कोई आत्मा थी। क्या आत्मा वात्मा, वैसा कुछ नहीं होता है, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करती हूँ। वो तो पागल था, ये सब भी पागल हो गए तभी उसकी तरह बात कर रहे। नहीं नहीं, पागल तो नहीं था वो, अभी अभी पिछली बार जो उसने बवाल किया उसके बाद गया था मैं उसके घर, बिल्कुल सही था वो। पता नहीं इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा उसे, जो कुछ भी हुआ है ना उसे देखकर तो यही लगता है कि ये किसी आत्मा का काम। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सोसाइटी को किसी की ना बुरी नजर लग गई हो। आई होप कि वो पागल ही हो, कहीं सचमुच आत्मा आत्मा का चक्कर हुआ तो। पंकज, सीआईडी में रहकर बेकार की बातें मत करो, समझे? सॉरी सर। सिर्फ खून नहीं किया है, बहुत मेहनत की है, ये देखो। सर लगता है ये किसी साइको का किया है। सर मुझे पता है ये किसने किया है। किसने? अरे वो आत्मा ने। सब लोग नीचे खड़े रहकर क्या बात कर रहे थे, आप सुनते ही नहीं हो कभी। हम लोग बोले थे कि आत्मा ने ये सब किया है। पंकज अंदर के कमरे में जाके देखो वहां का क्या हाल है। सर मैं? हाँ तुम, इट्स एन ऑर्डर। आप चलिए ना साथ में। अच्छा देखो आत्मा आत्मा आत्मा। बॉडी की बड़ी बुरी हालत की है, सारी हड्डियां तोड़ डाली हैं। सर मुझे लगता है कि इसकी मौत इसकी गर्दन टूटने की वजह से हुई। या तो किसी ने इसका गला दबा के इसे मारा है और उसी में इसकी गर्दन टूट गई, या फिर इसके सर पे चोट करके इसकी जान ले ली और उसके बाद गर्दन तोड़ दी। सर लेकिन इस तरह गर्दन तोड़ने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए, ये किसी कमजोर आदमी का काम नहीं है। सर सर सर, अंदर दोनों कमरों के सेल्स, वार्डरोब्स, लॉकर्स सब अपनी जगह पर है, वहां तोड़फोड़ की कोई निशानी नहीं है। सर लग ही रहा था खूनी का मकसद चोरी नहीं है, जो कोई भी है सिर्फ इसकी जान ही लेना चाहता। सर मगर एक बहुत अजीब चीज है सर। क्या? ऐसा लग रहा है कि अंदर दोनों कमरों में से छोटी छोटी चीजें को यहाँ पर लाकर जानबूझ करके तोड़ा गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आत्मा ऐसा करेगी क्यों। यार इसके खून की असली वजह तो डॉक्टर सालोंके ही बताएंगे, इस बॉडी को फॉरेंसिक भेज देते हैं। पर एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, सोसाइटी वालों से बात करता हूँ, तुम इसकी वाइफ से बात कर लो, पता तो चले ये आत्मा का चक्कर क्या है। ये आप लोग राजीव को कब से जानते हैं? सर कुछ महीने पहले ही यहाँ रहने आया था, पहले तो सब कुछ नॉर्मल था लेकिन बाद में। बाद में क्या? साफ साफ बताओ बाद में क्या। सर बाद में अजीब अजीब बातें करने लगा था और अभी 10-12 दिन से तो पागल ही हो गया था। पागल? नहीं सर नहीं, राजीव पागल नहीं था। तो फिर क्या तुम्हें भी लगता है इस घर में कोई आत्मा है? राजीव जब से ये आत्मा और आवाजों के बारे में बात कर रहा था मुझे लगा कि शायद वो अपने डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन? हाँ, उनको पहले भी एक बार डिप्रेशन हो चुका था, उस समय उनका बर्ताव बहुत बहुत अजीब हो चुका था। लेकिन लेकिन सर इस बार तो मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई थी, वो दवाइयां ले रहे थे। फिर एक रात। क्या क्या हुआ दोस्त रात? मधु मधु, मैंने फिर से आवाजें सुनी। मधु मैंने फिर से वो आवाजें सुनी। कैसी आवाजें? मैं तो यही हूँ, मैंने तो कोई आवाजें नहीं सुनी। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आवाजें सुनी तो सुनी ना, मानो ना मेरी बात। राजीव एक सेकंड, आपने दवाइयाँ ली है? इसका दवाई से क्या ताल्लुक? हाँ मैंने दवाई ले ली, पर मैं कह रहा हूँ ना मैंने अब आवाजें सुनी है। राजीव प्लीज मत मानो मेरी, मत मानो मेरी बात। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आवाजें सुनी मैंने आवाजें सुनी, वो आवाजें मुझे आ रही है तो बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगा ये आत्मा, ये आवाज है जिसके बारे में राजीव बात कर रहा है, ये सब उसका भ्रम है। मुझे नहीं लगा था कि ये सब सच हो जाएगा।
अच्छा राजीव, ये जो आवाजें सुनता था, ये इसके बारे में कुछ डिटेल में बता सकती हो तुम? कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, उसका कोई खास दोस्त जिससे हम राजीव के बारे में कुछ पता लगा सकें? खास दोस्त तो नहीं, लेकिन एक विनीत है, उसने हमें ये फ्लैट दिलवाया था। विनीत? हाँ सर, सर मैंने उसे ये घर दिलवाया था 11 महीने के लीज पर। अब सर मेरा तो काम ही यही है। अब इसके पहले भी मैं कई लोगों को वो घर दिलवा चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या क्या नहीं कहा? सर यही कि ये घर ठीक नहीं है और यहाँ पे आत्मा है। क्या राजीव ने ऐसा कहा? सर, सर पहले तो तमीज से बात करता था, फिर चीखने चिल्लाने लगा और धमकियां भी देने लगा। और कल ही की बात है, कल तो सोसाइटी की मीटिंग में घुसकर उसने। लेकिन मैंने सोसाइटी में सोलार पैनल लगाने की बात की है, बस एक बार लग गया तो पूरे एरिया की सोसाइटी में हमारी सोसाइटी बेहतरीन कहलाएगी। गलत गलत कह रहे हैं आप, ये सोसाइटी बिल्कुल बकवास है। अब क्या हो गया मिस्टर राजीव? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जरूर कुछ होने वाला है और इस सब के जिम्मेदार आप सब हो गए। अरे आप सबने मिलकर मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? और स्पेशली विनीत, तुमने धोखा दिया है मुझे। कौन सा झूठ मिस्टर राजीव? क्या आपको आज की मीटिंग के बारे में पता नहीं था? आपको खून के बारे में पता था जो मेरे फ्लाइट में हुआ है? मेरे घर में खून हुआ है, फिर आप सबने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? अरे कौन सा खून मिस्टर राजीव? मैं यहाँ तब से रह रहा हूँ जब से ये बिल्डिंग बनी है, एंड ट्रस्ट मी, आपके फ्लैट में तो क्या, यहाँ पे किसी भी फ्लैट में कोई भी खून नहीं हुआ है। खून हुआ है और आत्मा भी है, और उसका नाम भी जानता हूँ मैं, ललन। मिस्टर राजीव, इस नाम का आदमी यहाँ रहता ही नहीं, और ना कभी आपके फ्लैट में रहता था और ना किसी और के फ्लैट में। लेकिन ललन की आत्मा मेरे फ्लैट में है। अरे वो मुझे परेशान कर रही है, मेरा जीना महाल कर रखा है उसने। अरे तरह तरह की आवाजें आती है, कभी लाइट बंद हो जाती, कभी लाइट अपने आप चालू हो जाती। देखिए मिस्टर राजीव, बिजली का प्रॉब्लम है कुछ दिनों से, और उसी के लिए तो आज की ये मीटिंग रखी गई थी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी में सोलार पैनल लगाना। देखिए, लल्लन की आत्मा इंसाफ मांग रही और उसे मुझे इंसाफ दिलाना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, आप सबको नहीं छोड़ेगी, सबका जीना महाल कर देगी, बोल रहा हूँ मैं आप सबको। बस सर, फिर वो वहां से चला गया, और सर आज विजय जी का फोन आया तो पता चला कि यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। सर एक मिनट, सर प्लीज एक मिनट। सर ये जरूर किसी बुरी आत्मा का काम है सर, कोई इंसान बिना आवाज के इतना सब कुछ कैसे कर सकता है सर? अरे यार अनपढ़ों की तरह बातें मत करो पंकज, अच्छी बुरी आत्मा कुछ नहीं होती है। पहले इनको समझा के परेशान हो गया था, अब तुम आ गए। ये किसी इंसान का काम है, इसने घर के पावर के साथ छेड़छाड़ की है और दरवाजे के नट बोल्ट ढीले कर दिए हैं। देखते हैं राजीव की बीवी दया को क्या बताती है। आप प्लीज अपना और छाया का ख्याल रखिए। सर, राजीव के फोन में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली, ये ऑनलाइन टैक्सी ऐप। मधु को राजीव की सारी लोकेशंस के बारे में पता था, सिवाय एक इसके। माधव जी, हम लोग सीआईडी से हैं, माफ करना बिना इजाजत के हम लोग अंदर आ गए, आपसे कुछ अर्जेंट काम था। क्या परेशानी है आपको? आपका एक क्लाइंट था राजीव। था मतलब? अब वो नहीं है, किसी ने बड़ी बेरे में से उसका खून कर दिया। बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा इंसान था वो, मुझे मालूम था कि उसकी मानसिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। आप राजीव के बारे में कुछ और बता सकते हैं ना? एक दिन वो मुझे अपने घर पर ले गया, उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही थी, उसे लग रहा था कि कोई आत्मा उसके घर में है, मगर ये उसका वहम था। मैं उस घर पे था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तसल्ली के लिए मैंने उसे एक कार्य दिया कि रोज दिनचर्या एक डायरी में भरो। डायरी? लेकिन हमें उसके घर से ऐसी कोई डायरी नहीं मिली। मिलेगी कैसे? वो डायरी उसने मुझे परसों ला के दी, मगर उसकी लिखावट इतनी बुरी थी कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया। लल्लन के बारे में कुछ लिखा है डायरी में? सर लिखा तो है। क्या? लेकिन
उन पोर्शंस में जहाँ राइटिंग बहुत खराब है, जैसे ये देखिए, drowned and killed मतलब पहले डुबा और फिर मारा। हाँ सर जी बोल। अच्छा ठीक है ओके सारून के कह रहा है कि राजीव की मौत उसके सिर पर जो चोट लगी है ना उससे हुई है, उसकी गर्दन और हड्डियां उसके मरने के बाद तोड़ी गई है। लेकिन सर अगर वो पहले मर चुका था तो ये सब करने की क्या जरूरत है? वही तो। सर मुझे बताएं सर, क्योंकि राजीव बता रहा था कि वो आत्मा बहुत गुस्से में थी सर, वो बदला लेना चाहती थी। और मैंने तुम्हें ललन की मौत की वजह पता करने के लिए भेजा था, उसका क्या पता चला? सर आसपास के पुलिस स्टेशन में सर ललन नाम के किसी भी आदमी की खून की या मिसिंग रिपोर्ट नहीं है सर। पंकज सिर्फ आसपास के पुलिस स्टेशन नहीं, सारे के सारे पुलिस स्टेशन में जाओ और पता लगाओ, अच्छे खून के बारे में नहीं डूब कर मरने वाले लोगों के बारे में भी। जाओ जल्दी। और पूर्वी डायरी के एक एक शब्द को डिकोड करो, एक एक शब्द को डिकोड करो। इस ललन की आत्मा के बारे में हमें सब कुछ पता चलना चाहिए। सर दो और वर्ड्स मिले, ज्वेलरी स्टोर। सर इन वर्ड्स का कनेक्शन भी उन आवाजों से है जो वो सुनता था, क्योंकि ये भी ललन ड्राउंड और किल के पास ही लिखा है। और जब भी उसने आत्मा और आवाजों के बारे में बात की है या लिखा है उसके हैंडराइटिंग बिगड़ गई। सर ललन की लाश मिली है सर, उसका पोस्टमार्टम हो गया है सर, कल रात में नाले में डूब के वो मर गया। व्हाट? कल रात को? हाँ सर। सर अगर ललन कल रात को मरा है तो उसकी आत्मा राजीव से कैसे बात कर रही थी? वही तो। सर ललन चोर था, तिजोरी तोड़ने में एक्सपर्ट, बहुत सारी तिजोरियां तोड़ के उसने लूटी है सर, और इस सिलसिले में बहुत बार जेल भी गया है वो। आप? जी मेरा नाम गायत्री है, मैं मॉर्ग गई थी ललन जी की बॉडी क्लेम करने। ललन के साथ क्या रिश्ता है आपका? जी हमारी शादी होने वाली थी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो शराब छोड़ने वाला था, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। पता नहीं ये सब कैसे। अच्छा आजकल काम क्या करता था वो? किन लोगों से मिलता था कुछ पता है आपको? सर मुझे तो वो जब भी मिलता था बस शादी की बातें करता था, और कितनी बार मुझे ज्वेलरी शॉप पे लेके गया, वो भी एक ही ज्वेलरी शॉप पे, अंगूठी दिलवाने के लिए। तो उसने वो अंगूठी दिलवाई आपको? कहाँ सर, उसे कोई अंगूठी पसंद नहीं आती थी, जब भी शॉप पे जाता था कहता था कुछ और अच्छा दिखाओ, कुछ और अच्छा दिखाओ, उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था सर। कौन सी दुकान में लेकर गया था वो? क्या नाम क्या है दुकान का? ओरो ज्वेलर्स। ठीक है गायत्री तुम जा सकती हो, थैंक यू वेरी मच। पंकज सर इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ललन उस स्टोर में ज्वेलरी खरीदने नहीं बल्कि लूटने के हिसाब से बार बार जा रहा था। पूरी सर ओरो ज्वेलर्स ने तो किसी चोरी या लूट की रिपोर्ट लिखवाई नहीं है। तो क्या हुआ, चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो इसका मतलब ये नहीं कि चोरी हुई नहीं? चोर के घर में ही चोरी हो जाए तो रिपोर्ट कहाँ लिखवाएगा सर? दया चा तुम्हें नहीं लगता पूर्वी को कुछ नई ज्वेलरी खरीदनी थी? ये सब तो बहुत आम है, कुछ भी अच्छा नहीं, चलिए चलते हैं। अरे मैडम रुकिए रुकिए, मैडम क्या चाहिए आपको, एक मौका तो दीजिए। कुछ खास रॉयल यू नो। खास
अरे हिम्मत, वो खास सामान लेके आना तिजोरी से। डिस्काउंट भी हो जाएगा लेकिन कैश पेमेंट करना पड़ेगा, और इसका बिल ले दूंगा मैं। चेक करवा दो, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, इसे पैक भी करवा लेंगे और ये जिसका है उस तक पहुंचा भी देंगे। मतलब किसके पास? उसी के पास जहां से ये चोरी हुआ है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कुछ दिन पहले तुम्हारे दुकान में डाका पड़ा था और तुमने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तिजोरी में यहाँ पे चोरी का सामान पड़ा है। हाँ? अच्छा ये बताओ, चोरी हुई कैसे? इतनी बड़ी दुकान है, अलार्म नहीं बजा? अलार्म सिस्टम को लुटेरे ने पहले से खराब कर दिया था, कैसे पता नहीं। पूर्वी, तुम यहाँ के अलार्म सिस्टम और इस लॉकर के डमी मॉडल को लेके फॉरेंसिक लैब में जाओ और डॉक्टर सालों की मदद से पता करने की कोशिश करो कि अलार्म सिस्टम फेल क्यों हुआ। तब तक मैं और फ्रेडी यहाँ का अलार्म सिस्टम चेक करते हैं। तेरे बस की बात नहीं है, लॉकर खोलना छोड़ दे, तू तेरे से नहीं होगा। अरे रुको ना यार, बस की बात क्या नहीं, तिजोरी अब तक इसलिए नहीं खुल रही थी क्योंकि मैं लंदन की तरह से सोच रहा था। बस अब मैं सालुखे का दिमाग लगाता हूं। एक मिनट यार, जरा धमाके का इंतजार करो ना। धमाका? छोटा सा। अब इस सेफ का अलार्म डिसेबल हो गया, अब चाहे इसे ब्लूटूथ से, क्रोबार से, इसके कोड से या किसी भी और तरीके से इसे खोला जा सकता है। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख लो। सर लेकिन ये आपने किया कैसे? एक बार दया को और फ्रेडी को आ जाने दो ज्वेलरी शॉप से, सब बता दूंगा। सर सर, ज्वेलरी शॉप के अलार्म की वायर तो जली हुई है, वो तो होना ही था। बॉस, चोर ने भी इस सेफ के साथ वही किया जो हमने अभी अभी यहाँ किया। धमाका? क्या कहा तुमने? धमाका? क्या कहने का मतलब क्या है तेरा? दोस्त, इस सेफ का अलार्म एक स्पेशल सर्किट पर काम करता है और उस सर्किट को एक निश्चित एम्पियर का करंट ही चाहिए होता है। अगर जरूरत से ज्यादा करंट तोड़ा दिया गया तो धमाका होता है, सर्किट फेल हो जाता है, अलार्म का पावर कट हो जाता है। लेकिन इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिसने इस सर्किट को अच्छी तरह से स्टडी किया हो और इसकी खासी प्रैक्टिस की हो। पावर कट की प्रैक्टिस? सर, राजीव की बिल्डिंग में बार बार पावर कट होता था सर, इसका मतलब
इसका मतलब है कोई वहां बिल्डिंग में बिजली का ही एक्सपेरिमेंट करा रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है दया कि वहां पर कोई आत्मा नहीं, वो आवाजें जो राजीव ने सुनी वो उन्हीं गुनहगारों की प्लानिंग थी। पर ये आवाजें राजीव ने सुनी कैसे? फिर वो कौन है जो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है? फिर वहां बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करते हैं, शायद मुझे कुछ पता चल जाए। बिल्कुल दया, बिल्कुल। सर, लल्लन के साथ साथ एक और नाम डिकोड हुआ, हिरेन। हिरेन? हिरेन? ये हिरेन जरूर लल्लन का साथी होगा। पूर्वी, इस हिरेन का पता लगाओ। जेल से शुरू करो। इस धमाके की शुरुआत वहीं से हुई है, उसी जेल से। ये लल्लन है, ये 2 साल इसी जेल में था और 2 दिन पहले इसकी मौत हो गई। हमें शक है कि इसके साथी ने इसका खून किया है, जो शायद उसको यहीं मिला था। हिरेन, हिरेन? लल्लन का तो मुझे पता नहीं, पर हिरेन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वही जो बैंक के पैसे लूटकर भागा था और भागते भागते गलती से उसने अपने ड्राइवर के पैर में गोली मार दी थी। जेल में बड़ा घबराया घबराया रहता था। उसका फोटो और उसका नंबर मिल सकता है? जी हाँ, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। जरा जल्दी कीजिए। जी, क्योंकि अगर ये हिरेन लल्लन का खूनी नहीं तो फिर अगला नंबर उसका ही है। सर, बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी मीटर और कुछ महीने पहले के बिल्स हमने चेक किए सर। ऐसा कुछ अबनॉर्मल नहीं आया था रीडिंग में सर। हमें नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ सर। ये आवाज? छाया, भूख लगी होगी इसलिए उठ गई है। मैं आती हूँ सर। कमाल है सर, बच्चा यहाँ पे नहीं है फिर भी उसके रोने की आवाज वहां से यहाँ तक आ रही है। इस चीज के जरिया ये चीज क्या है? बेबी मॉनिटर। बेबी मॉनिटर? सर, वो आत्मा कितनी बेरहम है, उसने बेबी मॉनिटर भी तोड़ दिया था, मुझे याद है सर। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? सर, आप दोनों जो सोच रहे हो जरा हमें भी बताओ ना। देखो बेटी, ये बेबी मॉनिटर जो है वो ये वॉकी टॉकी रेडियो जैसा डिवाइस है ना, एक बेबी के कमरे में है और एक आपके पास। बेबी चाहे जितना भी दूर हो उसकी आवाज इस मॉनिटर तक आ सकती है। बेबी के कमरे में कुछ भी होगा इस मॉनिटर से हमें पता चल जाएगा, समझे? मतलब पंकज, ये आत्मा बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। कैसे सर? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। अगर ये बेबी मॉनिटर अपने ये वायरलेस फोन की तरह काम करते हैं तो इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वहाँ आसपास कोई और डिवाइस है उसी फ्रीक्वेंसी की तो ये बेबी मॉनिटर उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगी और वहाँ पे जो आवाजें हैं वो यहाँ पे आ सकती है। आपको समझ में आया? थोड़ी देर में समझ जाऊंगा सर। क्या तुम ज्यादा समझो मत, समझे? तुम जाओ फोरेंसिक लैब, डॉक्टर सालुंके से मिलो, वो तुम्हें एक डिवाइस देंगे, लेकर आओ। मैं उनसे फोन पे बात करता हूँ।
आवाज नहीं आ रही, लगता है बेबी सो गया। सर ये पुराना बेबी मॉनिटर के यूजर मैनुअल है, आपको देखना था। हम लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। ये सालों के सन्नी दिए सर, ये है क्या? बस यूं समझ लो पंकज कि अब हम इससे आत्मा देख पाएंगे। दरवाजा बंद कर लो, कहीं आत्मा अंदर नहीं आ जाए। यहाँ पे तो सिग्नल बहुत वीक है यार। लगा नहीं था असली आत्मा इतनी जल्दी दर्शन दे देगी। चलो अब राजीव की आत्मा से इसकी बात करा देते हैं। हेलो, तूने मुझे क्यों मारा? मुझे मार के मेरी बच्ची को बेसहारा कर दिया क्या? मुझे सब पता है, पहले तूने लल्लन के साथ मिलके ज्वेलरी शॉप लूटी, फिर मुझे मार दिया क्योंकि मैं सब जानता था, और फिर तूने लल्लन को भी मार दिया और लूट का सारा माल खुद दबा लिया। तुम हो कौन? राजीव, तुम्हारा पड़ोसी। क्या किरेन, तुम इस अरुण को जानते हो? इसे बचाने की कोशिश मत करो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें आज जान से मारने वाला था? अरे मैडम, मैंने कहा ना, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और यह चाकू मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। ए, चुप! तुमसे किसी ने कुछ पूछा? हाँ? जब पूछा जाए तब मुंह खोलना, समझे? बोलो, पहचानते हो उसे? चलो कोई बात नहीं, नहीं पहचानते हो तो, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक दूसरा आदमी पेश करता हूं मैं। उसके साथ तुमने और लल्लन ने मिलकर ज्वेलरी शॉप लूटा था। रेडी? नहीं पहचाना? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, वरना। जी सर, मैं इन्हें जानता हूँ, ये आतिश भाई हैं। कैसे जानते हो तुम इसे? जी, इन्होंने हमें एक काम दिया था। कैसा काम? जी, उग्रो ज्वेलरी शॉप को लूटने का काम। इन्होंने कहा था कि ये अलार्म संभाल लेंगे, हमें सिर्फ तिजोरी तोड़नी है। लेकिन इसका असली प्लान कुछ और ही था। किसी ने ललन को मारा और उसका हिस्सा भी इसे खुद रख लिया। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर इस काम के लिए तो मैंने अरुण को हायर किया था। ए चुप, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सर झूठ बोल रहा है, मैंने तो सिर्फ एक ही खून किया, वो भी ललन। सर इसकी बातें बताइए, ये एक नंबर का झूठा है। चुप! तुम सिर्फ इतना बताओ, तुमने अरुण के जरिए लल्लत को क्यों मारा और फिर ओरो ज्वेलरी शॉप ही क्यों? मैं वहां वायरिंग का काम करने के लिए गया था, तभी मैंने वहां कुछ लोगों को देखा जो शायद चोरी का माल बेचने के लिए आए थे। बस तभी मैंने प्लान बनाया कि अगर यहाँ पे चोरी की जाए तो ये लोग कभी भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे। इसके लिए फिर मैंने वहाँ पे उनका अलार्म सिस्टम चेक किया और देखते मैं समझ गया कि अगर पावर ओवरलोड किया जाए तो अलार्म फेल हो सकता है। पर
और इसके लिए एक 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 स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जरूरत थी जो तुमने खुद घर बैठ के बनाया हा? और यही एक्सपेरिमेंट करते समय बिल्डिंग की लाइट बार बार जा रही थी क्यों जी लेकिन इस सब कुछ में राजीव का क्या लेना देना है मेरे पति को क्यों मारा क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा क्योंकि राजीव ने इनका सारा प्लान सुन लिया था उसने इसकी और हिरेन की बातें सुन ली थी उसने इसके और ललन की बातचीत भी सुन ली थी उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था उस बेबी मॉनिटर के जरिए लेकिन बेचारे राजीव को ऐसा लग रहा था कि आवाजें आत्मा की है अब बता क्या हुआ था उस रात उस दिन जब मीटिंग में राजीव ने ललन का नाम लिया तो मैं बहुत घबरा गया खून हुआ है और आत्मा भी है और उसका नाम भी जानता हूं ललन मुझे लगा कि अगर राजीव पुलिस के पास चला गया तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा पर मैं उसको मारना नहीं चाहता था मैं तो उसके घर भी गया था हाय हम आतिश मैं आपका पड़ोसी हूँ ये नीचे वाले फ्लोर पे रहता हूँ आप लोग नए आए हैं तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है अजीब अजीब से आवाजें सुनाई जाती ऐसा लगता है कि कोई कुछ कहना चाहता है मुझसे आवाजें कहाँ से पूरे घर से खासतौर पे उस कॉरिडोर से उसके घर पे जब मैंने बच्चे के कमरे में बेबी मॉनिटर देखा तो मैं सब कुछ समझ गया क्योंकि उसी तरह का बेबी मॉनिटर मेरे घर पे भी है अच्छा मैं समझ गया कि वो एक्सीडेंटली मेरी सारी प्लानिंग सुन सकता था इसलिए उस बेबी मॉनिटर को खत्म करना बहुत जरूरी था और साथ में राजीव को भी अरुण तो ललन और हिरेन को मारने ही वाला था अगर राजीव पुलिस के पास चला जाता तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाता इसलिए मैंने काम को ऐसे अंजाम दिया कि सबको राजीव की आत्मा वाली बात सच लगे और इसीलिए तुमने राजीव को जान से मारने के बाद भी उसकी गर्दन और हड्डियां तोड़ दी ताकि देखने वाले को लगे कि ये किसी इंसान का काम नहीं है ना सर मैंने तो अपनी तरफ से प्लान एकदम फुल प्रूफ बनाया था पर पता नहीं गलती कहां हुई डायरी वो तो मैंने छुपा दी थी जो डायरी तुमने गायब की उसमें कुछ नहीं था पहली वाली डायरी हमारे पास है और उसी के जरिए पहले ललन और फिर हम तुम तक पहुंच पाए तुम खुद भी तो एक पिता हो खुद को बचाने के लिए तुमने एक बच्चे से उसके पिता को ही छीन लिया सिर्फ एक बच्चे का नहीं दो दो बच्चों के बाप छीन लिए तुम्हारा बच्चा तुम्हारी पत्नी के पास जाएगा और तुम सब जाओगे अपनी असली जगह जेल पड़े पंकज फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.